नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बात करेंगे हरियाणा की राजनीति की, जहां पर पिछले दिनों मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी हाईकमान ने मुख्यमंत्री के पद से हटा करके नायब सिंह सैनी को हरियाणा की गद्दी सौंप दी। उसके बाद लोकसभा चुनाव का ऐलान होता है और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल लोकसभा सीट से चुनावी प्रत्याशी बनाया जाता है। ऐसे में करनाल से चुनावी मैदान में उतरने के बाद अब मनोहर लाल खट्टर को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। करनाल को हरियाणा में धान का कटोरा कहा जाता है और किसान लगातार जिस तरीके से 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन करते रहे, अब खट्टर साहब को उस विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा में कई दिग्गज नेता भी भाजपा हाईकमान के फैसले से काफी निराश है। एक तरफ जहां राव इंद्रजीत सिंह, अनिल विज, प्रोफेसर रामविलास शर्मा और उसके अलावा बात करें बीजेपी के पूर्व हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को ये उम्मीदें थी कि यदि लोकसभा चुनाव से मुख्यमंत्री बदला जाएगा तो उनका नंबर आ सकता है, लेकिन नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना करके यहाँ पर बीजेपी हाईकमान ने तगड़ा झटका दिया है। राव इंद्रजीत सिंह साफ तौर पर कहते हैं, नजर आए कि हमसे एक बार भी चर्चा नहीं की गई। दक्षिण हरियाणा के लोग मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ 6 बार अंबाला कैंट से विधायक अनिल विज कहते नजर आ रहे हैं कि संगठन जब से बना है, भाजपा की हरियाणा में जब से स्थापना हुई है, मैं भाजपा के लिए काम कर रहा हूं। दूसरी तरफ प्रोफेसर रामविलास शर्मा भी कहते नजर आ रहे हैं कि 5 बार मैं मंत्री रहा हूं और ऐसे में बीजेपी का जो फैसला था ये वाकई चौंकाने वाला था। लेकिन इस बार किसानों के विरोध के चलते अनिल विज ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसानों को समझाने में सरकार कहीं ना कहीं नाकाम हुई है और उन्होंने जिस तरीके का बर्ताव किया, अब किसान वो विरोध चुनाव में प्रकट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी किसानों का भारी विरोध बीजेपी के खिलाफ देखने को मिल रहा है। बीजेपी के तमाम प्रत्याशियों का गांव में घुसने तक विरोध किया जा रहा है और एक तरीके से किसान संगठन एकजुट होकर के खिलाफत करने पर उतर आए। यानी कि साफ तौर पर हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को किसानों के विरोध के चलते नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में अब देखना ये होगा कि हरियाणा में जिस तरीके से अनिल विज ने जो पिछले दिनों कई बगावती बयान दिए हैं कि वे भी भारतीय जनता पार्टी से किनारा करते हुए नजर आएंगे। आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।